हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और सीमेंट में जो बोगी कंपाउंड होते हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन का सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रदान करने का क्या सीक्वेंस होता है, और कितनी तेजी से वे रिएक्शन करते हैं और कितनी तेजी से उष्मा निकालते हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करने का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो सीमेंट के कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन करने का सीक्वेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ वो होता है C3A, फिर दूसरे नंबर पे C4AF, फिर तीसरे नंबर पे C3S और चौथे नंबर पे C2S रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और फिर इसके बाद से डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये है C3A, सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, फिर दूसरे नंबर पे C4AF रिएक्शन करेगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, तीसरे नंबर पे C3S रिएक्शन करेगा और चौथे नंबर पे C2S रिएक्शन करेगा। तो ये रहा वाटर के साथ रिएक्शन करने का सीक्वेंस, सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ सबसे पहले कौन प्रदान करेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करने का घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट प्रदान करेगा, यानी कि C3S, इसको C3S हम बोलते हैं। फिर C2S प्रदान करेगा, इसको हम डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको हम C3A बोलते हैं। और चौथे नंबर पे आएगा C4AF, तो जो C4AF है ये सबसे कम स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रेंथ प्रदान करने का सीक्वेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का घटता हुआ क्रम। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन है, तो मैंने कई बार कहा है कि जो वाटर के साथ रिएक्शन है उसी को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है हाइड्रेशन, तो देखिए यहाँ पे लिखा है शुरू में क्या, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे तो रहा कि वाटर के साथ सबसे पहले क्रिया करना कौन शुरू करेगा, तो सबसे पहले क्रिया करना शुरू करेगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और यहाँ पे बात हो रही है कि वाटर के साथ रिएक्शन कौन कितनी तेजी से कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक रिएक्शन करना अलग बात है, लेकिन कितनी तेजी से करना और कितनी धीमे से रिएक्शन करना वो अलग बात है। तो सबसे पहले शुरू तो करेगा C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्शन शुरू करेगा, लेकिन जो C4AF होगा वो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, समझ रहे हैं। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि वो कितनी तेजी से रिएक्शन करेगा, तो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करने का जो सीक्वेंस है वो C4AF, C4AF जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा C3A, फिर तीसरे नंबर पे आएगा C3S और फिर लास्ट में आएगा C2S। तो इस चीज को समझ गए होंगे। तो सबसे तेजी से रिएक्शन करने का ये है सीक्वेंस, और ये सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, किसका रिएक्शन बाद में होगा, उसका सीक्वेंस ये वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर देखिए, अगर आप लोग एग्जाम में गए हैं तो हमको रेट ऑफ हाइड्रेशन का घटता हुआ क्रम बताना है, तो ये पहला वाला जो है हम लोग इसी को सही करेंगे, ठीक है ना। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं अगर उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तब हम ये नीचे वाला ऑप्शन सही करेंगे। और ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये यही वाला ऑप्शन है, पानी के वाटर के साथ जो रिएक्शन करने का सीक्वेंस था वही वाला है, नीचे वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यही वाला सही करेंगे, इसी को याद रखेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम इस पे आएंगे, ठीक है, नहीं तो ये वाला हमारा सही है। अब देखते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो उष्मा निकलती है, तो वो सबसे ज्यादा किसमें उष्मा निकलती है और किसमें कम निकलती है, तो इसका घटता हुआ क्रम देखते हैं।
तो जो ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट होता है इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलती है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 865 जूल प्रति ग्राम ऐसा कुछ, उसको अभी बाद में लिखाएंगे। तो C3A जो है सबसे ज्यादा हीट जनरेट करेगा, फिर C3S जो है निकलेगा, इससे ऊष्मा निकलेगी 500, फिर इसके बाद से C4AF जनरेट करेगा 420, और C2S ये सबसे कम ऊष्मा निकलती है, रिएक्शन करता है, तो 260 जूल प्रति ग्राम। तो ये रहा हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि ऊष्मा किसमें ज्यादा निकलेगी और किसमें कम निकलेगी। तो ये ऊष्मा निकलने का जो है सीक्वेंस है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस यहाँ पे, ये इसीलिए इंग्लिश में ही लिख दिया गया है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यही लिखा रहेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, तो आप लोग पढ़े रहेंगे इंग्लिश में तो लगेगा कि नहीं हमने पढ़ा है, तो आसानी होगी इस वजह से। तो ये रहा सीक्वेंस, इसको याद कर लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं पूछने के, तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब जो ग्राफ की बात हो रही थी कि स्ट्रेंथ सबसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो भी, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ का है, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ प्रदान करने का ग्राफ है और ये जो है हाइड्रेशन का ग्राफ है, हाइड्रेशन का ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो नीचे टाइमलाइन जो है, ये नीचे वाला जो है, ये जो है समय को दिखा रहा है और वो भी दिन में, ये एज है, कितना एज हो गया है और दिन में है, ठीक है ना, 28 दिन, 90 दिन, 180 दिन और 360 दिन। तो देखिए यहाँ पे, और इधर जो है ये वाई एक्सिस पे क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, वाई एक्सिस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। तो सबसे कम देखिए स्ट्रेंथ कौन प्रदान कर रहा है, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जो है सबसे कम स्ट्रेंथ प्रदान करेगा 360 दिन में, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, ये 360 पे आके यहाँ पे मिले गए, इसको थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ा लेंगे ना, ऐसे कर ही देता हूँ, यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो 360 एक साल बाद जो है, देखिए यहाँ पे 10 के नीचे ही है, ठीक है ना, 10 के नीचे ही है। तो C4AF सबसे कम स्ट्रेंथ प्रदान करेगा और C3A ये इससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। तो हम लोग सीमेंट में यूज करते हैं, तो इन दोनों को इसीलिए हम यूज करते हैं कि जल्दी से वो ठोस हो जाए, इस वजह से इनको यूज करते हैं, नहीं तो इनका कोई काम नहीं है। ये सेटिंग, ये तुरंत सेटिंग प्रदान करता है और ये बाद में सेटिंग प्रदान करता है, और ये जो C4AF होता है ये सल्फेट से सुरक्षा करता है, ठीक है ना, ये सल्फेट रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और हमने कई बार बताया है कि C3A जो है, हमने तो उसको यूज किया है कि जल्दी से सेटिंग हो जाए, जल्दी से ठोस हो जाए, लेकिन ये हीट इतना ज्यादा जनरेट करता है, 865 जूल पर ग्राम की दर से ये हीट जनरेट करता है, तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल हो जाता है। मतलब कि हमको ये नहीं चाहिए था कि हीट जनरेट करो तुम, हमको ये चाहिए था कि तुम हमारे लिए सेटिंग प्रदान करो, लेकिन ये क्या कर रहा है कि हीट जनरेट करता है, ऊष्मा निकाल रहा है, तो ये अनडिजायरेबल हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनडिजायरेबल कंपाउंड कौन सा है, तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वही अनडिजायरेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखिए जो अर्ली स्ट्रेंथ की बात हो रही थी, तो शुरुआती स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है, तो C3S प्रदान करता है, ठीक है ना, कौन, C3S शुरुआती स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे जीरो दिन पे ही, मतलब 10 घंटे बाद ही ये अपना स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम शुरू कर चुका है। देखिए यहाँ पे 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से इसकी स्ट्रेंथ क्या है, शुरू हो रही है, देख रहे हैं, 30 न्यूटन से शुरू हो रही है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ शुरुआती दौर में 28 दिन में, अगर आप इसको देखोगे तो 28 दिन में ऐसे मिलाओगे तो इसकी स्ट्रेंथ इतना आ रही है, तो 28 दिन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है यही प्रदान कर रहा है। और इन दोनों को अगर देखो तो यहाँ पे C4AF और C3A इतना ही स्ट्रेंथ, लगभग 3-4 के करीब, ठीक है, तो इतना स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि जो C2S होता है वो 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ ग्रहण करने की क्षमता आती है। तो आप देखो कि 28 दिन तक तो ये क्या है, यहीं पे है, यानी कि 3-4 के करीब ही है, लेकिन 28 दिन बाद इसका ग्राफ देखो ऐसे बढ़ा है, एकदम ऐसे बढ़ के यहां तक आया है। तो 28 दिन बाद क्या है,
जो C2S है वो अपना कार्य कर रहा है और उसके कारण जो है स्ट्रेंथ गेन हो रहा है, ठीक है। और 360 दिन एक साल बाद अगर हम देखेंगे तो ये तीनों क्या है, लगभग एक ही जगह पे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, 2-4-5 पॉइंट का अंतर है, लेकिन क्या है, एक साल बाद दोनों एक ही बराबर स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। तो ये हो गया स्ट्रेंथ प्रदान करने का ग्राफ, कैसे कौन स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रेशन, पानी के साथ रिएक्शन कितने अनुपात में कौन किया है, ठीक है। तो सबसे फास्ट हमने यहाँ पे देखा कि सबसे फास्ट रिएक्शन जो कर रहा है C4AF कर रहा है। तो यहाँ पे इस वाले वाई एक्सिस पे है फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड या हाइड्रेशन, और यहाँ पे है टाइम। तो नीचे वाले में टाइम जो है डिनोट किया गया है, और ये क्या है, लॉग स्केल पे है, ठीक है, लॉग स्केल पे टाइम को डिनोट किया गया है। देखिए अगर टाइम को हम लॉग स्केल कब लेते हैं, देखिए लॉग जो होता है ना, जो हम लोग लॉग पढ़ते हैं, तो ये कुछ नहीं होता है, अगर हम किसी भी चीज को उसका जो है रेंज इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेंज तक वो फैला हुआ है, तो उसको छोटे रेंज में समेटने के लिए हम लॉग इस्तेमाल करते हैं। लॉग इस्तेमाल करने से वो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज का रेंज इतना ज्यादा, इतने में हमको वो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, अर्थमेटिक अंकगणित में 1, 2, 3, 4, 5 करके। तो अगर हम लॉग इस्तेमाल कर लेंगे तो इस चीज को छोटे से में ही हम प्रदर्शित कर लेंगे, इतना ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं होगी, तो इस वजह से हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लॉग स्केल पे टाइम को जो है डिनोट किया गया है, और टाइम जो है दिन में है, ठीक है, टाइम क्या है, दिन में है, तो ये लॉग स्केल पे है, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रेशन है, तो किस अनुपात में जो है रिएक्शन हुआ है। तो देखिये सबसे ज्यादा जो है C4AF का जो है रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होता है, फिर इसके बाद से C3A का, और C3A का और C3S का उससे भी कम, और C2S का सबसे कम, मतलब कि ये सबसे स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये रहा रिएक्शन करने का सीक्वेंस, और ये रहा एज प्रदान करने का सीक्वेंस, और ये रहा सीक्वेंस कि कौन जो है स्ट्रेंथ किस क्रम में प्रदान करेगा और कैसे कैसे होगा। तो ये हमने देख लिया, अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि जो ये सब है C3A, C2S, C4AF, C3S, तो इन सब का कार्य क्या होता है, तो ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। अगर कुछ चेंजिंग करना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं ऐसे ही क्या करूँगा कि जो भी सब्जेक्ट मुझे आते हैं और नहीं भी आते हैं तो जो मैं कोशिश करूंगा कि जो है और दूसरे जो लोग हैं वो आकर के सारे सब्जेक्टों को पढ़ाएं। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सारे कोर्सों को पढ़ाने वाला हूं, इसी पे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराएंगे, और जो है अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोस्तों को अपने बताएंगे तो उनको भी तैयारी कर रहे हैं वो, तो उनको भी अच्छा लगेगा, और ऐसे ही सारा कुछ चलता रहेगा, और हमें भी क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, चलो कोई तो देख रहा है, कोई देख रहा, देखिए हम लोग वो क्या है कि कैमरे के सामने ही बक 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 करता मतलब करते रहते हैं वैसे ही, तो जब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो लगेगा कि नहीं चलो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके लिए ही थोड़ा सा कुछ किया जाए। अभी तो जो भी अपना नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर नहीं कुछ भी अगर नहीं आ रहा है या इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर और भी कुछ जानना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।